सो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा था, और हमने पढ़ा था कि फाइनेंस मतलब पैसा किस तरह से मैनेज किया जाता है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है। हमने पढ़ा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि कैपिटल को एक्सपेंड करना है ना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जरूरत होती है, फाइनेंशियल मैनेजर को करना पड़ता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं या फाइनेंशियल फाइनेंस फंक्शंस जो होते हैं, जिसको हम लोग सारे एक्टिविटी को मिला के फाइनेंस फंक्शंस कहा जाता है, जिसमें हमारे पास तीन तरह के डिसीजन होते हैं। तो जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है, जिसको फाइनेंस से संबंधित फैसले लेने होते हैं, डिसीजंस लेने होते हैं, बेसिकली वो तीन तरह के डिसीजन लेता है। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एक आता है फाइनेंसिंग डिसीजन, और एक आता है स्टूडेंट्स डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, ये तीनों तरह के इसको डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या करता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है क्या है? सबसे पहले देखो, आपको नाम से क्लियर है कि इन्वेस्टमेंट का मतलब है इसमें लैंड खरीदना, बिल्डिंग खरीदना, फर्नीचर खरीदना। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि हर एक फाइनेंशियल मैनेजर को ये फैसला करना पड़ता है कि वो कौन मतलब जो लंबे समय तक के लिए एसेट्स यूज होती हैं उसमें कितना पैसा खर्च करे। और हमने ये भी पढ़ा था कि अगर वो ज्यादा खर्च कर देगा तो भी नुकसान है, कम खर्च करेगा तो भी नुकसान है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेसिकली क्या होता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो होता है, इट इज कंसर्न विद हाउ फर्म्स वैल्यूएबल फंड्स आर टू बी इन्वेस्टेड इन वेरियस एसेट्स। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो अपने जो फंड्स हैं, जो उसके पास पैसा अवेलेबल है, उसको वो वेरियस एसेट्स में कहाँ कहाँ खर्च करे। यानी कि इफ द मैनेजर हैज टू डिसाइड विच एसेट्स इट हैज टू परचेज, देर आर वेरियस एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, फैक्ट्रीज, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, ऑल दीज आर फिक्स एसेट्स। सो द फाइनेंशियल मैनेजर हैज टू डिसाइड व्हाट व्हाट एसेट ही विल बी रिक्वायर्ड टू परचेज, लाइक हाउ मच लैंड ही इज गोइंग टू परचेज, व्हाट व्हाट विल बी द बिल्डिंग, हाउ मच, व्हाट विल बी द साइज ऑफ द बिल्डिंग, वो उसे तय करना पड़ेगा। फैक्ट्रीज, हाउ मच फैक्ट्रीज इट विल हैव टू स्टार्ट, और हाउ मच फैक्ट्रीज इट विल हैव टू ओपन, एंड फर्नीचर, रिगार्डिंग फर्नीचर यू विल हैव टू टेक लॉट ऑफ डिसीजंस, व्हाट टाइप ऑफ फर्नीचर ही इज गोइंग टू परचेज, एंड इक्विपमेंट्स ऑल्सो, लाइक इफ ही इज परचेजिंग से मशीनरी, व्हाट विल बी द इक्विपमेंट फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब उसको डिसीजन लेना पड़ता है। अच्छा, ये दूसरी बात क्या है कि ये सब जो डिसीजन होते हैं ना, लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं और शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लंबे समय के लिए भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है। अगर मैं बात करूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, तो इसको इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लैंड खरीद लिया, तो लैंड आप जनरली खरीदते हो तो कई साल तक इस्तेमाल होता है। तो ये वो एक्सपेंडिचर्स हैं जो आपको कमा के देते हैं कई साल तक, लगातार आप कई साल तक कमाते रहोगे इनकी वजह से। तो ये वो वाले एसेट्स होते हैं। जैसे अगर आपने मशीन खरीदी है, तो मशीन आपको कई साल तक कमा के देती है। कोई भी मशीन ऐसा नहीं है कि मशीन खरीदोगे 1 महीने 2 महीने में खराब हो जाएगी या उससे आपकी अर्निंग खत्म हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो वंस फाइनेंशियल मैनेजर इन्वेस्ट परचेजेस मशीनरी, दैट मशीन इज यूज फॉर नंबर ऑफ इयर्स एंड इट इज गोइंग टू यू नो हेल्प टू अर्न लॉट ऑफ प्रॉफिट फॉर नंबर ऑफ इयर्स। तो कई साल तक हमें कमाने में मदद करती है। तो इसको हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है और 1 साल से ज्यादा के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसमें फाइनेंशियल मैनेजर ने जरा सी भी गलती कर दी, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हाई होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपने डिसाइड किया कि आप एक मशीन खरीदोगे, आपने मशीन खरीद ली, और क्या हुआ कि अचानक टेक्नोलॉजी में कुछ बदलाव आ गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, तो आपने जो मशीन पे पैसा लगाया ना, वो बहुत नुकसान हो जाएगा आपको। तो आप जब भी कोई मशीन खरीदते हो, आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी टेक्नोलॉजी आई है, आगे आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी कब तक रहेगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने जो मशीन खरीदी है इसकी टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी से खत्म हो जाए और अगले साल कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए, तो आपके जितने भी पैसे लगाए हैं आपने सब बर्बाद हो जाएगा। तो आपको तय करना पड़ेगा कि लंबे समय तक के लिए वो एसेट्स को खरीदना है कि कम समय के लिए। फिर हम बात करेंगे दूसरा जो है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसको हम लोग वर्किंग कैपिटल डिसीजन भी बोलते हैं। इट इज रिलेटेड टू डे वर्किंग ऑफ अ बिजनेस। ये डे टू डे बिजनेस में यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बता सकते हो क्या चीज में? जैसे इन्वेंट्री है, स्टॉक, ये डे टू डे एक्टिविटी है। कैश, डे टू डे एक्टिविटी है। हर एक बिजनेस को कैश की जरूरत होती है, तो छोटे मोटे समय के लिए उसको कैश रखना पड़ता है बेचने के लिए। तो बेसिकली उसको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होती है, तो हर एक बिजनेस को ये चीज ध्यान देना पड़ेगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को?
ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा बेटा इन्वेस्टमेंट डिसीजन में? हमने पढ़ा कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन वो डिसीजन है जिसमें लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्स एसेट्स बेसिकली खरीदे जाते हैं। फिर हमने पढ़ा कि ये दो तरह के हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म जो होता है उसको हम लोग कैपिटल बजटिंग बोलते हैं, शॉर्ट टर्म को हम वर्किंग कैपिटल डिसीजन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप सबको आ गया होगा। आगे बढ़ूं? ठीक है, अब देखो जो हम टॉपिक पढ़ेंगे ना, ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कैपिटल बजटिंग को इफेक्ट कर सकते हैं। मतलब देखो, जब भी जैसे आप फाइनेंशियल मैनेजर हो, तो आप जब भी कोई एसेट खरीदोगे तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ता है। उनको अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो जब फाइनेंशियल मैनेजर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता है, यानी कि एसेट्स खरीदने से संबंधित कोई भी डिसीजन लेता है, तो ये वो फैक्टर्स हैं जो उसको इफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला आता है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। देखो होता है क्या है इसमें कि जब भी आप कोई एसेट लेते हो तो आप ये जरूर देखते हो कि इससे मेरे को कितना कमाई होगी। ठीक है, तो आपको जब भी आप कैपिटल बजटिंग डिसीजन लोगे तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आप एसेट खरीद रहे हो इससे पैसा किस तरह से आएगा, कितना पैसा आएगा। ये देखो जैसे हमने लिखा है ना कि द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश इन द एंटरप्राइज शुड बी कंसिडर्ड बिफोर मेकिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन। देखो कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं ना जो कमाने में बहुत लंबा समय लगा देते हैं। जैसे आपने मशीन लिया, फिर आप उस मशीन को यूज करके कमाना शुरू किया आपने, तो कभी कभी क्या होता है कि उससे ना 2 साल 3 साल के बाद कमाई शुरू होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मान लो आपने कोई जैसे कार बनाने वाली कंपनी है, तो कार बनाने वाली कंपनी पहले मैन्युफैक्चर करेगी तभी तो बेचेगी, तभी तो कमाएगी, तो उसको बहुत टाइम लग सकता है। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं कंपनियां जो डे वन से ही कमाना शुरू कर देती हैं, तो उनको ये देखना पड़ेगा कि कौन से कैपिटल बजटिंग जब वो कर रहे हैं तो उनको देखना पड़ेगा कि पैसा कब से बिजनेस में आना शुरू हो जाएगा। तो ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैपिटल बजटिंग में, कि आपको तय करना पड़ेगा कि कौन सा कितना पैसा आ रहा है, उसके हिसाब से आप डिसीजन लोगे। अगर आप चाहते हो कि आप जिस दिन आपने एसेट खरीदा, बिजनेस में पैसा लगाया, कैपिटल बजटिंग लगाई, उसी दिन से आपकी कमाई शुरू हो जाए, तो फिर आप उसी हिसाब से डिसीजन लोगे। तो ऐसे में आप वो मशीन्स खरीदोगे, वो एसेट्स पे इन्वेस्ट करोगे जो डे वन से इनफ्लो करने लगे। और अगर आप चाहते हो कि लंबे समय तक कमाते रहो, तो फिर आपको उसी हिसाब से देखना पड़ेगा। दूसरा आता है रेट ऑफ रिटर्न। देखो कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें ना हम लोग जब खर्च करते हैं ना, तो उस पर रिटर्न जो होता है अलग अलग हो सकता है। जैसे अगर एक बिजनेस है और उसमें मैनेजर ने सोचा कि यार हम 1 करोड़ लगा देते हैं और 1 करोड़ के ऊपर उसको 10% का रिटर्न मिल रहा है, तो इसका मतलब कितना मिलेगा, 10 लाख मिलेगा उसको, है ना। 1 करोड़ का 10% कितना होता है, 10 लाख, तो उसको 10 लाख मिलेगा हर महीने। और एक प्रोजेक्ट है जिसमें वो अगर 1 करोड़ लगाता है तो उसको 15% मिलता है, तो वो कौन सा लगाना चाहेगा, कौन से प्रोजेक्ट में वो इंटरेस्ट रखेगा? ऑब्वियस सी बात है, जिसका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होगा, 15% वाला, जिसमें ज्यादा उसको इनकम हो। मतलब आपने 2 जगह पैसे लगाए, दोनों में 1 करोड़ लगा रहे हो, एक प्रोजेक्ट से आपको मिल रहा है 10 लाख और दूसरे प्रोजेक्ट से मिल रहा है 15 लाख, और दोनों में आपने एक बराबर अमाउंट लगाया है, तो आप अगर चाहते हो कि आपको ज्यादा इनकम हो, रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा हो, ज्यादा मिले, तो आप ऑब्वियस सी बात है आप 15% वाला जो प्रोजेक्ट है जिसमें आपकी इनकम 15% हो रही है उसको लगाना चाहोगे। तो जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है उसको जब कैपिटल बजटिंग करता है तो उसको ये भी एक एस्पेक्ट है जो ध्यान में रखना पड़ता है। तो जो प्रोजेक्ट उसको ज्यादा कमा के देगा उस प्रोजेक्ट में वो लगाना चाहेगा, ठीक है, और जो प्रोजेक्ट उसको कम कमा के देगा उसमें ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दिखाएगा वो। तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं तो ये रेट ऑफ रिटर्न बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। The higher the rate of return, the more you will be inclined to, you know, invest your money into. तो ये करोगे आप। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए स्टूडेंट्स? रेस्पॉन्स करो। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है, कारक हैं जो हमारे कैपिटल बजटिंग को या इन्वेस्टमेंट डिसीजन को इफेक्ट करेंगे, जिनके वजह से हम फैसला शायद रोक दें या ना लें या ले लें। तो कौन सा है? पहला हमने पढ़ा कि कैश इनफ्लो, यानी कि कैश का फ्लो कैसा है। अगर पैसा आ रहा है,
अगर कोई कोई बिजनेस में पहले दिन से ही कमाने लगते हैं और कोई कोई बिजनेस में कई दिन बाद कमाई शुरू होती है, तो अगर हम चाहते हैं कि तुरंत कमाने लग जाएं तो हम वो वाले प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाएंगे, वो वाले एसेट्स खरीदेंगे जिससे हमारे कमाई एकदम स्टार्ट हो जाए। और अगर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो हमें कई दिन के बाद कमाना शुरू करेंगे, जो जिसमें हमारा पैसा ज्यादा लग जाएगा और पहले उसके खर्चे भरने में बहुत समय लगेगा और उसके बाद हमारी इनकम शुरू होगी, तो वो वाले प्रोजेक्ट्स में हम बाद में पैसा लगाएंगे। तो हम कैसा चाहते हैं उसके हिसाब से हम डिसीजन लेंगे। दूसरा हमने पढ़ा रेट ऑफ रिटर्न। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो पहले दिन से ही कमाने शुरू कर देते हैं, या फिर यूं कह लो कि जिसपे रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होता है, और कुछ प्रोजेक्ट होते हैं जिसपे रेट ऑफ रिटर्न कम होता है। तो हमें ये तय करना होगा कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी कमाई पहले दिन से ही शुरू हो जाए और ज्यादा कमाई हो, तो हम 15% वाला जो प्रोजेक्ट है उसको चुनेंगे, यानी कि वो एसेट्स खरीदेंगे जिससे हमारा रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा हो। यहां तक दो पॉइंट क्लियर हो गए? ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व, देखो ये भी एक फैक्टर है जो इफेक्ट करता है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हमेशा जो है कैपिटल बजटिंग की जो टेक्निक होती है वो हमेशा कैलकुलेशन पे बेस्ड होती है कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट का रेट क्या होगा, कैश फ्लो कैसा होगा, उसके हिसाब से हम लोग तय करते हैं। जैसे मान लो कि सपोज करो एक बहुत बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और उसको एक बिल्डिंग की जरूरत है जिसमें उसके एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है। तो या तो वो बिल्डिंग खरीद ले सीधा, अब वो बिल्डिंग खरीदेगी तो कई करोड़ रुपए उसके एक ही बार में लग जाएंगे। या दूसरा ऑप्शन है कि रेंट पे ले ले, अगर वो बिल्डिंग रेंट पे लेती है, ऑफिसेस रेंट पे लेती है, तो उसको कम खर्च लगेगा और रेंट देना पड़ेगा हर साल। लेकिन अगर वो रेंट पे खरीदती है तो उसकी इनकम ज्यादा रहेगी, ऑब्वियस सी बात है वो पहले दिन से ही कमाना शुरू कर देगी। लेकिन अगर वो बिल्डिंग परचेज करती है अपने लिए, एम्प्लॉयज के लिए, ऑफिस खोलने के लिए, तो आप देखो बिल्डिंग खरीदने में आपको कुछ नहीं तो आपको 50 से 60 करोड़ लग जाएंगे और ये पैसा आपको मिलेगा भी नहीं, मतलब आप खाली रेंट बचा पाओगे। तो पहले साल का रेंट बहुत कम होगा, 50-60 करोड़ थोड़ी ना होगा रेंट, तो वो पैसा आप बचा पाओगे। तो कौन सा आप चुनना चाहोगे? अगर आप फाइनेंशियल मैनेजर हो और आप चाहते हो कि पहले दिन से ही आपकी इनकम ज्यादा रहे, तो कौन सा चुनोगे, रेंट पे लोगे या बिल्डिंग बनाने की सोचोगे? बोलो। रेस्पॉन्स के लिए वेट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। मेरी बात समझ में आई है क्या बोल रहा हूँ? दोबारा मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो आप फाइनेंशियल मैनेजर हो और आपको एक ऑफिस खोलना है, मतलब बहुत बहुत सारे एम्प्लॉई हैं आपके पास, मान लो 1,000 एम्प्लॉई हैं, ठीक है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो आप अपनी खुद की बिल्डिंग स्टार्ट करना चाहते हो कंपनी, अब आपकी खुद की बिल्डिंग होगी तो उसमें आपको रेंट नहीं देना पड़ेगा, और दूसरा ऑप्शन है कि आप रेंट पे ही हायर कर लो बिल्डिंग कोई जहाँ पे आप ऑफिस खोलना चाहते हो, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है आपका रेंट बहुत कम लगेगा। तो दोनों ऑप्शन में दो इफेक्ट हैं। पहले ऑप्शन में अगर आप बिल्डिंग बनाते हो तो आपकी जो प्रॉफिट होगा शुरू के स्टार्टिंग के ईयर में कम होगा, क्योंकि आपने बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया होगा अपनी बिल्डिंग में। और दूसरा ऑप्शन यह है कि अगर आप रेंट पे खर्च करते हो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं होगी, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट डे टू डे खर्चा हो जाएगा, तो इससे आपका प्रॉफिट मेंटेन होगा। तो कौन सा ऑप्शन चुनना चाहोगे? अगर हमारे पास इतना कैश है कि हम अफोर्ड कर सकते हैं बिल्डिंग, तो हम बिल्डिंग बनाना चाहेंगे या फिर हम रेंट ले लेंगे बहुत तो। अच्छा आंसर है कि आप ये कह रहे हो कि अगर आपके पास ऑलरेडी फंड अवेलेबल है और आपको पता है कि कहीं प्रोजेक्ट में नहीं लगाना है, तो ये सबसे अच्छा डिसीजन है कि आप अपनी बिल्डिंग बना दो, 50-60 करोड़ बिल्डिंग में खर्च कर दो। उससे फायदा ये होगा कि आने वाले 100 साल तक जब तक वो बिल्डिंग रहेगी आपको रेंट नहीं देना पड़ेगा, तो लॉन्ग टर्म में आपने सोचा। लेकिन अगर आपके पास फंड्स अवेलेबल नहीं है मान लो, और आपको पता है कि कहीं से उधार लेना पड़ेगा और इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा पड़ जाएगा और आप बनाओगे तो आपको डबल महंगा पड़ेगा, तो आप रेंट वाला ऑप्शन चूज करना चाहोगी या अभी भी रेंट रेंट अभी भी बोरोइंग करके और बिल्डिंग बनाना चाहोगे? लेंगे रेंट लेंगे। चलो मैं एक और ऑप्शन दे रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देखो ध्यान से। एक जगह लिखा हुआ है इंटरेस्ट रेट, मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरेस्ट रेट बहुत कम रख रखा है,
अगर कल को कोई बिल्डिंग बनाता है, हाउस रेंट ले, हाउस के लिए लोन लेता है, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा है वो रेंट से कम लग रहा है, जो आप बिल्डिंग को हायर करके रेंट में देने वाले थे उससे कम लग रहा है, और उतने ही पैसे से आप अपनी खुद की बिल्डिंग बना लेते हो और उतना ही इंटरेस्ट देते हो बिल्डिंग के बदले, क्योंकि बैंक से जो लोन लिया होगा तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? अगर लो इंटरेस्ट रेट रहा तो क्या आप बिल्डिंग बिल्डिंग बनाना पसंद करोगे? तो यही चीज है, कैपिटल बजटिंग में यही डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि जो आपके लिए बेस्ट हो वो आपको फैसला लेना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया भी बहुत इन्वॉल्व रहती है, आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो ये क्राइटेरिया भी आपके डिसीजन को इफेक्ट करेगी। तो आपने देखा कि अगर आपको लग रहा था कि इन्वेस्टमेंट, हमारे पास पैसा कम है और हमारा ज्यादा महंगा पड़ रहा है, तो हमने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत समझी, तो ऐसे में हम कैपिटल बजटिंग नहीं करेंगे, हम स्मॉल मतलब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स लेंगे। और अगर हमारे पास पैसा है या इंटरेस्ट रेट कम है बैंक का, तो ऐसे में हम जो है ये वाला डिसीजन ले लेंगे, कौन सा? कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो आपने देखा कि ये किस तरह से कैपिटल बजटिंग को इफेक्ट कर रहा है सीधा सीधा, ठीक है? तो ये तीन फैक्टर्स हैं जो हमारे कैपिटल बजटिंग को डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहला कौन सा था? कैश का फ्लो कैसा है, हमारे पास प्रोजेक्ट में पैसा आ रहा है जा रहा है तो कितना पैसा है हमारे पास। और दूसरा हमने पढ़ा रेट ऑफ रिटर्न कैसा है, अगर हमारा रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है तो हम उस ऑप्शन को चूज करेंगे, रेट ऑफ रिटर्न कम है तो हम दूसरे ऑप्शन को भी चूज कर सकते हैं। और तीसरा है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, हमारी बिजनेस की इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया किस तरह की है, उसके हिसाब से हमें फैसले लेने होंगे। तो समझ में आ गया कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को इफेक्ट करते हैं? अब आता है फाइनेंसिंग डिसीजन। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है? फाइनेंसिंग डिसीजन वो डिसीजन होता है जिसमें हमें ये तय करना पड़ता है कि जब हम पैसा रेज करेंगे तो कौन कौन से सोर्स हैं जहां से रेज करेंगे। क्या हम शेयर्स की मात्रा ज्यादा रखेंगे, क्या हम डिबेंचर्स के थ्रू पैसा रेज करेंगे, या हम लोन्स के थ्रू रेज करेंगे। अगर हम इक्विटी शेयर्स के थ्रू रेज करते हैं तो अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड हमें ज्यादा तादाद में देना पड़ेगा। अगर हम डिबेंचर्स से रेज करते हैं पैसा तो हमारा इंटरेस्ट एज कम्पेयर टू इक्विटी शेयर्स कम रहेगा, लेकिन सबसे बड़ा खतरा ये रहेगा कि ये पैसा हमें आज नहीं तो कल लौटाना पड़ेगा, तो एक समय ऐसा होगा जब हमें सारे पैसे लौटाने होंगे। और अगर हम लोन के थ्रू लेते हैं तो बैंक इसमें अड़ंगा लगाएगा, बैंक बहुत सारे पॉलिसी बनाएगा, बोलेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक हमारा रख लो, या बैंक का इंटरफेरेंस रहेगा। तो अगर हम बैंक का इंटरफेरेंस नहीं चाहते हैं तो फिर हम लोग लोन नहीं लेना चाहेंगे। तो फाइनेंसिंग डिसीजन एक ऐसा डिसीजन है जिसमें सारी सिक्योरिटीज का मिक्स करके लिया जाता है और हमें तय करना पड़ता है कि हम कौन से सोर्स से पैसा रेज करें, ठीक है? हर एक सोर्स के अपने फायदे और अपने घाटे हैं। अगर हम इक्विटी शेयर होल्डर्स के थ्रू रेज करते हैं तो ये पैसा हमारी जिंदगी भर के लिए बिजनेस में रहेगा, हमें लौटाने की टेंशन नहीं रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी टेंशन ये रहेगी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स अपना जो कंट्रोल है वो बिजनेस पे दिखाएंगे, बार बार वोटिंग राइट में आ जाएंगे, वोट करेंगे, हमारे अगेंस्ट में भी वोट कर सकते हैं और हमारे से ज्यादा डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन रखेंगे। लेकिन अच्छी बात क्या होगी कि हमारे लिए सुख दुख में वो साथ रहेंगे, अगर हमारी बिजनेस में कभी सिचुएशन आती है, डैमेज होता है, तो वो लोग डिविडेंड उस साल नहीं लेंगे। लेकिन अगर हम डिबेंचर्स के थ्रू पैसा रेज करते हैं तो डिबेंचर होल्डर वो होते हैं जो उधार देते हैं और एक समय पे उनको पैसा वापस देना होता है और मॉर्टगेज कराना पड़ेगा, तो हमें गिरवी रखना पड़ेगा अपनी जमीन एसेट्स। तो अगर हमने अपनी लैंड बिल्डिंग ये सब गिरवी रख देंगे और कल को हमारी बिजनेस अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाई और प्रॉफिटेबल नहीं रही तो हम कहाँ से उनको पैसे लौटाएंगे, तो ऐसे में वो हमारे एसेट्स को टेक ओवर कर लेंगे, बेच देंगे हमारे एसेट्स को, तो ये सब दिक्कतें आती हैं। तो हमें बड़ा ध्यान से डिसीजन लेना होता है, फाइनेंसिंग डिसीजन। अब समझ में आ गया सबको क्या होता है कि कहाँ से पैसा रेज किया जाए, इक्विटी से किया जाए, बोरोड फंड से किया जाए, डिबेंचर से किया जाए, लोन्स के थ्रू किया जाए, कि कहाँ से किया जाए। क्लियर है? यस सर। अच्छा, दूसरी चीज इसमें आती है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे इस डिसीजन को इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? कौन से, मतलब जैसे हमने पढ़ा ना इन्वेस्टिंग डिसीजन में कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे डिसीजन को इफेक्ट कर सकते हैं, इसी तरह से फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर भी कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे डिसीजन को इफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला कॉस्ट। देखो जो हमें सस्ता पड़ेगा ना हम उसी सोर्स को यूज करेंगे। अब आप मुझे ये बताओ, अगर मुझे, मैं शेयर होल्डर, अगर मैं फाइनेंशियल मैनेजर हूं और मुझे ये तय करना है कि सबसे सस्ता सोर्स करूं, तो कौन सा करना चाहूंगा?
सबसे सस्ता कौन सा ऑप्शन होता है फाइनेंस करने का? इक्विटी शेयर्स, प्रिफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम बैंक्स या रिटेन्ड अर्निंग्स? कौन सा सबसे सस्ता होता है बताइए, 11th में पढ़ा चुका हूं मैं। सबसे सस्ता कौन लोन सा? फ्रॉम बैंक। लोन फ्रॉम बैंक। बैंक वाले आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे बेटा, और मैं आपको बताऊं डिबेंचर से ज्यादा चार्ज करते हैं ये लोग, चार्ज करते हैं 15-16%, डिबेंचर कम से कम 10-12% रहता है। प्रिफरेंस शेयर भी थोड़ा सा डिबेंचर से थोड़ा सा ज्यादा होता है। क्या रिटेन अर्निंग आप ऑप्शन नहीं चूज कर सकते? रिटेन अर्निंग वो पैसा होता है जो हमने प्रॉफिट में से ही निकाल के रखा हुआ, जो हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ वो इक्विटी शेयर होल्डर को कम दे देंगे, और जो पैसा बच जाएगा एक्स्ट्रा उसी को बिजनेस में दोबारा लगा देंगे। तो क्या इस पे हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा? क्या इस पे हमें डिविडेंड देना पड़ेगा? रिटेन तो क्या सबसे चीपर सोर्स कौन सा हो गया? अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग। तो ये एक ऐसा फैक्टर है, अगर हम चाहते हैं कि सबसे सस्ता वाला ऑप्शन चूज करें तो हम रिटेन्ड अर्निंग के थ्रू पैसा रेज करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी रेपुटेशन मार्केट में बनाए रखें, है ना, और लोगों को मतलब डिविडेंड ज्यादा दें, तो हम रिटेन्ड अर्निंग बिल्कुल नहीं रखना चाहेंगे, इससे हमारे इक्विटी शेयर होल्डर नाराज हो जाते हैं। तो हम ऐसे में डिबेंचर्स ले सकते हैं। हम अगर चाहते हैं कि हमारा मतलब जैसे प्रिफरेंस शेयर और डिबेंचर्स में ऑप्शन हमें चूज करना है, और हम चाहते हैं कि सस्ता रहे, तो कौन सा चूज करेंगे बताइए, प्रिफरेंस या डिबेंचर्स? बोलो, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, आप लोग चुपचाप रहोगे तो फिर कैसे होगी क्लास बताइए। अमृत कौर आप बताओ, मान लो आप फाइनेंशियल मैनेजर हो और आप चाहते हो कि सस्ते में पैसा अवेलेबल हो जाए, और दो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं जहां से आप पैसा आसानी से रेज कर सकती हो। एक है आपके पास प्रेफरेंस शेयर वाला ऑप्शन, और एक है आपके पास डिबेंचर वाला ऑप्शन। तो अमृत कौन सा ऑप्शन चूज करोगे आप अगर आप फाइनेंशियल मैनेजर होगी? अमृत कौर यस सर। कौन सा ऑप्शन चूज करोगे बेटा? प्रेफरेंस सर प्रेफरेंस शेयर। शेयर। क्यों? सस्ता होता है प्रेफरेंस शेयर एज कंपेयर टू डिबेंचर्स? सर उसको पहले प्रेफर करेंगे तो उसके उसके पैसे पहले आ जाएंगे इसलिए। ना 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 ना, गलत समझ रही हो आप। प्रेफरेंस शेयर का नाम प्रेफरेंस शेयर इसलिए होता है कि इनको इक्विटी शेयर के मुकाबले पहले प्रेफरेंस देना होता है, यानी कि पैसा जब लौटाएंगे, जब कंपनी बंद होगी तो उस समय इनको पहले पैसा देना होता है, लेकिन इनका डिविडेंड ज्यादा होता है। देखो प्रेफरेंस शेयर के ऊपर डिविडेंड ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डिबेंचर्स। डिबेंचर का इंटरेस्ट होता है और प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड होता है। प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड हमेशा ज्यादा होता है डिबेंचर होल्डर के मुकाबले। तो अब मैं आपको दोबारा ऑप्शन दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आपकी कंपनी के पास दो ही ऑप्शन है पैसा रेज करने का। आपने इक्विटी से ट्राई किया, वो बात बन नहीं पाई, आपको लग रहा है कि शायद पैसा नहीं लगाएंगे लोग, तो प्रिफरेंस शेयर और डिबेंचर का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, और आपके पास जो फैक्टर है वो चाहती हो कि सस्ते में पड़े, तो कौन सा चूज करोगी? सर फिर डिबेंचर शेयर्स। ठीक है ना, क्योंकि डिबेंचर शेयर्स नहीं होते, डिबेंचर्स खाली बोलना। तो हम ऐसे में डिबेंचर को चूज करेंगे, क्योंकि डिबेंचर एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हम लोग आसानी से पैसा को रेज कर सकते, और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट होता है ये कंपैरेटिवली कम होता है, और इसमें भी फिक्स होता है और प्रेफरेंस शेयर्स में भी फिक्स होता है। लेकिन हमेशा देखना डिबेंचर जो है ना, जो ज्यादा सेफ माने जाते हैं डिबेंचर होल्डर, क्योंकि हमें कंपनी को गिरवी देना पड़ता है एसेट, तो इसीलिए थोड़ा सा कंपनी ना डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट कम रखती है, क्योंकि उनको थोड़ा ज्यादा सेफ महसूस होता है उनको। तो अगर हम कॉस्ट को कंसिडर करें, एक फैक्टर जो कॉस्ट को अगर हम देखते हैं, तो ये हमें ऑप्शन चूज करना ज्यादा बेटर रहेगा। तीसरा आता है रिस्क। अगर हम देखो, अगर वन ऑफ द फैक्टर्स होता है रिस्क, अगर कोई कंपनी चाहती है कि ज्यादा रिस्क लेना चाहती है, तो कौन सा ऑप्शन चूज करेगी डिविडेंड वो रेज करने के लिए पैसा? ऐसे में वो डिबेंचर्स को चूज कर सकती है, क्योंकि डिबेंचर्स में ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो डिबेंचर्स में क्या होता है, अगर आप डिबेंचर के थ्रू पैसा रेज करते हो तो डिबेंचर होल्डर को आज नहीं तो कल आपको पैसे लौटाने होंगे, नंबर वन।
तो डिबेंचर होल्डर को जब आपको पैसे लौटाने होते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा रिस्की प्रोसेस माना जाता है, क्या पता कंपनी प्रॉफिट ना कमा पाए तब भी उसको पैसा देना पड़ेगा, तो इट इज हाईली रिस्क, लेकिन इसमें कमाई ज्यादा हो सकती है। अब हम बात करते हैं इक्विटी शेयर्स की, अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हो तो इक्विटी शेयर होल्डर्स आपके लिए ज्यादा फायदेमंद। क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर्स के थ्रू अगर आप पैसा रेज करते हो तो आपके ऊपर रिस्क कम रहेगा, क्योंकि अगर आपके बिजनेस को लॉस हो गया तब भी आपको पैसा लौटाने की जरूरत नहीं है, मतलब डिविडेंड देने की जरूरत नहीं है, और कभी आपको पूरी जिंदगी भर ये पैसा लौटाना ही नहीं है, सबसे अच्छी बात। तो रिस्क एक ऐसा फैक्टर है जो हमें कंसिडर करना चाहिए शेयर्स फाइनेंसिंग डिसीजन लेते से। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बिजनेस में रिस्क कम रहे तो हम इक्विटी शेयर्स के थ्रू पैसा रेज करना चाहेंगे, और अगर हम चाहते हैं कि थोड़ा बहुत रिस्क लेके ज्यादा कमा सके तो ऐसे में हम डिबेंचर्स का ऑप्शन चूज कर सकते हैं, लोन फ्रॉम बोरोइंग चूज कर सकते हैं। एम आई क्लियर नाउ आयुष, समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट है फ्लोटेशन कॉस्ट। देखो कई बार क्या होता है ना कि जब आप पैसा रेज करते हो ना तो आपको फ्लोटेशन कॉस्ट अंडरराइटिंग कमीशन देना पड़ता है। अंडरराइटिंग कमीशन क्या होती है? ये एक ऐसा खर्चा होता है जो आपको हर समय देना पड़ता है, जैसे आप कोई भी पैसा मंगाते हो ना तो छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट को हम फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं। तो अगर आप इक्विटी शेयर्स के थ्रू पैसा रेज करते हो तो आपको बहुत सारी कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है, इसी तरह से अगर आप लोन के थ्रू करोगे तो उतना फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होता, क्योंकि आपको अलग से मेमोरेंडम ऑफ मतलब अलग से आपको प्रोस्पेक्टस नहीं बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए खर्चा बहुत आता है प्रोस्पेक्टस में, आप लोगों को इनवाइट करोगे, बैंक को बात करोगे बैंक से, वो अलग से कमीशन लेगा, और 90% शेयर नहीं आए तो आपको सब पैसे लौटाने होंगे, तो ये सारी दिक्कतें आती हैं। तो अगर आप चाहते हो कि छोटे मोटे खर्चे कम आए, फ्लोटेशन कॉस्ट कम हो, तो ऐसे में आप लोन वाला ऑप्शन चूज कर सकते हो, रिटेन अर्निंग चूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि फ्लोटेशन कॉस्ट खर्चा आप बियर करना चाहते हो तो ऐसे में इक्विटी शेयर भी आप चूज कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके फैसले में बदलाव करने में मजबूर कर देंगे आप, ठीक है। तो अगर आप डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट ज्यादा नहीं रखना चाहते तो ऐसे में आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप रिटेन अर्निंग कर लो। अगर अपने ही बिजनेस का पैसा दोबारा अपने ही बिजनेस में लगा दोगे तो आपको ये सब डॉक्यूमेंटेशन का खर्चा वर्चा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फ्लोटेशन कॉस्ट रखना चाहते हो तो आप दूसरे ऑप्शंस को चूज कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं। एक और फैक्टर है कैश फ्लो पोजीशन। देखिए कैश फ्लो पोजीशन में कहा गया है कि कैश का पोजीशन क्या है। अगर आपको लगता है कि कैश की फ्लो पोजीशन बहुत अच्छी है और आने वाले 3 साल के बाद आपके पास ढेर सारा पैसा आने वाला है, आप कहीं ना कहीं से आपको पैसा मिल जाएगा, तो ऐसे में आप डिबेंचर ले सकते हो 3 साल के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो आपको पता चल जाता है कि 3 साल के बाद आपको 10 करोड़ मिलने वाले हैं और आप फलाना जगह से कमाने वाले हो, तो आप 3 साल के लिए डिबेंचर्स रेज कर सकते हो, क्योंकि एग्जैक्टली आपको पता होगा कि इतने साल के बाद मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं अपने डिबेंचर होल्डर को इन्हीं पैसों में से वापस चुका दूंगा पैसा। तो इसको हम बोलते हैं कैश फ्लो पोजिशन, एक ऐसा फैक्टर है जो आपके डिसीजन को इफेक्ट कर सकता है। जितना अच्छा पोजिशन होगा आपका, कैश का स्ट्रॉन्ग पोजिशन होगा, उतना ही ज्यादा अच्छा आप डिसीजन ले पाओगे कैश फ्लो से रिलेटेड। एम आई क्लियर? यस। फिर आता है फिक्स्ड कॉस्ट। देखो अब कई बार वही पॉइंट आ गया वहां पे जो हमने रेंट वाला किया था। इफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट लाइक रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, सैलरी एक्सेट्रा आर हाई, इट इज बेटर टू रिड्यूस डेब्ट फाइनेंसिंग हैविंग फिक्स्ड इंटरेस्ट बर्डन। तो अगर आपको लगता है कि रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, सैलरी, इन सब का खर्चा बहुत ज्यादा है, तो आप जो है कुछ और ऑप्शन चूज कर सकते हो जिससे आपको इतना पैसा ना देना पड़े। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आप उसी के हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। एक और आता है कंट्रोल। अगर आप चाहते हो कि अपने बिजनेस में कंट्रोल ज्यादा अच्छा बना रहे तो आप इक्विटी शेयर्स कभी नहीं लेना चाहोगे। क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर्स में क्या होता है, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो आपके वोटिंग राइट पे इफेक्ट करेंगे, आपके डिसीजन में चेंज करवा सकते हैं, आपके ऊपर दबाव बना सकते हैं। तो आप कभी भी नहीं चाहोगे कि इस, अगर आप चाहते हो कि कंट्रोल आपका रहे और बाहर के लोग कंट्रोल ना करें, इक्विटी शेयर होल्डर्स ना हो ज्यादा, तो ऐसे में आप इक्विटी शेयर्स के थ्रू रेज ना करके आप डिबेंचर्स रेज करना चाहोगे, या फिर बोरोइंग फ्रॉम लोन लोगे, या फिर रिटेन अर्निंग वाला ऑप्शन चूज करोगे, तो वहां से आप पैसे को रेज कर सकते हो, इसमें आपका कंट्रोल नहीं गवाओ।
और अगर आप चाहते हो कि कंट्रोल में कोई इफेक्ट हो जाए, कोई बात नहीं, आप उसमें एडजस्ट कर लोगे, तो ऐसे में आप इक्विटी शेयर वाला ऑप्शन सोच सकते हो लेने की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसे ही चुनोगे, लेकिन ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके डिसीजन को इफेक्ट कर सकते। तो अगर आप अच्छा कंट्रोल चाहते हो, तो सबको पता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वो लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जब मीटिंग होती है, तो शेयर होल्डर्स डिसाइड करते हैं कि किसको रखना है किसको नहीं रखना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन रहेगा। और कई बार इक्विटी शेयर्स अनाउंस करने पर डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्सों से पूछा जाता है, अगर आप कम अनाउंस करोगे तो वो लोग नाराज हो जाते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो सीधा सीधा इफेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप कंट्रोल ज्यादा चाहते हो, तो आप उसमें इफेक्ट, ये जो है सीधा सीधा इफेक्ट आएगा। ये आ गया पॉइंट समझ में सबको? एक और पॉइंट है स्टूडेंट्स, आखिरी पॉइंट है कैपिटल मार्केट कंडीशंस। मार्केट में क्या चल रहा है, मान लो अगर मार्केट में बहुत अच्छा सिचुएशन है, तो आपके पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। आप इक्विटी से भी रेज कर सकते हो, प्रेफरेंस से भी रेज कर सकते हो, डिबेंचर से भी रेज कर सकते हो। तो जनरली आप डिबेंचर्स के थ्रू रेज करना चाहोगे, क्योंकि आसानी से आपको पैसे मिल जाएंगे मार्केट में। तो आप वही ऑप्शन चूज करोगे जिसमें आपको कम वो इंटरेस्ट देना पड़े। तो ये एक ऑप्शन है, अगर मार्केट की सिचुएशन बहुत अच्छी है तो आप उसी हिसाब से रिएक्ट करोगे, जो आप वो ऑप्शन चूज करोगे जिसमें आपको सस्ते में पैसा अवेलेबल हो जाए। लेकिन अगर यही सिचुएशन बहुत वर्स है, तो ऐसे में आप इक्विटी शेयर्स लेना चाहोगे। अगर आपको लगता है कि आगे आने वाले समय में लोग पैसा नहीं इन्वेस्ट करेंगे आपकी कंपनी में, या मार्केट में अच्छी सिचुएशन नहीं रहेगी, तो ऐसे में आप इक्विटी शेयर्स लेना चाहोगे, क्योंकि ये पैसा हमेशा के लिए आपके बिजनेस में यूज होगा, कभी लौटाना नहीं पड़ेगा, तो कल को आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी दूसरी जगह से रेज करने। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे डिसीजंस को इफेक्ट करते हैं। एम आई क्लियर? ये कौन से डिसीजन है? ये फाइनेंसिंग डिसीजन है। फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है? फाइनेंसिंग डिसीजन वो डिसीजन जहां हम तय करना पड़ता है कि पैसा कहाँ से लाएं, इक्विटी से लाएं, डिबेंचर से लाएं, प्रिफरेंस से लाएं, रिटेन अर्निंग से लाएं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे इस सोच को बदल के रख देंगे। जैसे अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो डिबेंचर से पैसे ले लो, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो इक्विटी वाला ऑप्शन चूज कर लो। अगर आप चाहते हो फ्लोटेशन कॉस्ट का डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट, तो अगर आप चाहते हो कि डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट ज्यादा ना हो, तो आप इक्विटी शेयर से कभी नहीं मंगाओगे, क्योंकि इसमें कागजी कार्रवाई बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, तो आप रिटेन अर्निंग के थ्रू रेज कर लोगे। इसी तरह से अगर आपका कैश फ्लो पोजिशन बहुत अच्छा है, आपको पता है कि आने वाले 4-5 साल में बहुत पैसा आ जाएगा, आपके पास करोड़ों रुपए आ जाएंगे, तो आप डिबेंचर से पैसा रेज करना चाहोगे, क्योंकि इसके थ्रू आपको इंटरेस्ट भी कम देना पड़ेगा, आपकी कमाई भी अच्छी खासी हो जाएगी, और समय आने पे आप पैसा लौटाने की कंडीशन में भी रहोगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि कैश फ्लो पोजीशन आपकी अच्छी नहीं है, आने वाले 4 साल के बाद आपके पैसे नहीं मिल पाएंगे, नहीं रिकवर कर पाओगे, तो ऐसे में डिबेंचर लेना खतरे से खाली नहीं है। अगर आपने डिबेंचर ले लिया, तो 4 साल के बाद पैसे कहाँ से लौटाओगे जब आपके पास कैश फ्लो ही नहीं अच्छा रहेगा। ये सारे फैक्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं बिजनेस के डिसीजंस में, खास करके फाइनेंसिंग डिसीजन। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि डिविडेंड डिसीजन कैसे लिए जाते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम डिविडेंड डिसीजन पढ़ेंगे और इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज इतना ही कर रहे हैं। इतने में किसी को कुछ पूछना है?